अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवानी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। लाइटिंग की दुनिया में एक नया आविष्कार, ईद, दिवाली हो या कोई त्यौहार, सोनी लाइटिंग लगाना हर बार। 3D पिक्सल लाइटिंग डेकोरेशन, पिक्सल प्रोग्रामिंग लाइट्स और एनिमेशन नाम लोगो कहीं भी सिर्फ लाइट के सहारे किसी भी इमेज को तैयार करे, दुकान मकान को चमकाए, सोनी लाइटिंग लगाए। लाइटिंग्स पर फोटो, वीडियो, एनिमेशन लगाए जाएंगे। आपके डिमांड्स पर मनचाही लाइटिंग्स, पिक्सल लाइट डेकोरेशन तैयार की जाएगी। एड्रेस सोनी लाइट मंडप डेकोरेशन, रोशन खान महल्ला गुम्मत के पास। प्रोपराइटर अहमद खान। मोबाइल नंबर 9422878242, 9766839195। अरबनी शहर के मोबाइल शॉपिंग दुकान में चोरी, तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का सामान लेकर चोर फरार। फोर व्हीलर गाड़ी का किया इस्तेमाल। शहर के नारायण चाल कॉर्नर करीब रही गिफ्ट वर्ल्ड मोबाइल शॉपिंग, ये दुकान चोरों ने फोड़ते हुए तकरीबन 1 करोड़ कीमत के मोबाइल चुराने की घटना तारीख 27 अक्टूबर 2022 रविवार के सुबह सामने आई है। इस घटना की जानकारी नवामुंडा पुलिस थाने को दी गई है। पुलिस का पथक जांच कर रहा है। आयन दीपावली के मौके पर मुख्य बाजार में की दुकान फोड़ने जाने पर अन्य व्यापारियों में डर का माहौल दिखाई दे रहा है। परभनी के नारायण चाल इलाके में राजेश चावला और अजय चावला, इनकी गिफ्ट वर्ल्ड मोबाइल शॉपिंग नाम की दुकान है। दीपावली के अवसर पर उन्होंने दुकान में बड़े पैमाने पर मोबाइल बिक्री के लिए लाए हुए थे। आईफोन, सैमसंग ऐसे विविध कंपनियों के महंगे मोबाइल बिक्री के लिए उपलब्ध थे। तारीख 23 अक्टूबर 2022 रविवार के सुबह के समय इस रास्ते से आवाजाही करने वाले नागरिकों को दुकान का शटर कुछ उखड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी जानकारी दुकान मालिकों चावला इन्हें दी गई। दुकान में आकर देखने पर पता चला कि दुकान में रखे हुए तकरीबन 450 मोबाइल चोरी हुए हैं। इन सभी चोरी गए मोबाइल की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। LCB के वसंत चौहान, ये PSI साईनाथ पुयर, नागनाथ टुकड़े, मारुति चौहान, पुलिस कर्मी बाला साहेब तुसुंदर, दिलावर खान, परशुराम गायकवाड़, मोबिन, नवामुंडा पुलिस थाने के PI संदीपान शेड़के और उनके पथक ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। शौन पथक को लाया गया, ठसे पथक को भी लाया गया। दरमियान शहर के बीचों बीच बाजार इलाके में चोरी हुई है। यहां लगाए हुए CCTV कैमरे की जांच की गई, जिसमें मोबाइल शॉपिंग की दुकान फोड़कर चोर एक कार का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए। ये कार शहर में कई जगहों पर फिरती नजर आई, लेकिन SP ऑफिस में बैठकर CCTV कैमरे पर नजर रखने वाले जिम्मेदार इस कर्मचारी ने इस बात की जानकारी रूट मार्च करने वाले टू व्हीलर पुलिस को देना चाहिए थी, जिससे बार बार शहर में फिर रही विविध एरियो में ये कार किस लिए फिर रही है, इसकी जानकारी अगर से शक होने पर की जाती तो लेकिन ये हादसा नहीं होता। लेकिन ऐसा हालत नहीं करने से त्योहार के मौके पर इतनी बड़ी चोरी शहर में हुई है। स्मार्टफोन्स गेले जवळपास 400 ते 500 दरम्यान माझ्याकडे स्टॉक होता, कारण आता दिवाळी सण असल्यामुळे टोटल मी स्टॉक बी भरपूर भरलेलं होतं सगळ्या कंपन्यांचा। सगळं माझं 1 नंबरमध्ये काम आहे, पूर्ण बिलिंगमध्ये येते, बिलिंगमध्ये जाते, माझ्याकडे सगळे रेकॉर्ड बी आहे, त्याने काहीच ठेवलेलं नाही दुकानात, पूर्ण साफ करून टाकली दुकानात गेलेली आहे। सगळे स्वान पथक पोलिस येऊन गेले, सगळे येतात, बाईक कारवाई चालली, तिकडे राहिलेले ते काही इनोवामध्ये बसून आले, ते लोक 6 जण होते, त्यांनी मिळून एक काम केलं। स्टाइल का मकान, राजा शूज की दुकान। अगर दिखना है कूल तो यूज करो राजा शूज, अच्छी क्वालिटी और कम दाम, पूरे परिवार के लिए एक ही दुकान। राजा शूज, दिवाली धमाका, बड़े ब्रांड्स पर भारी छूट। हमारे पास लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए जूते, चप्पल, स्लीपर और सैंडल उपलब्ध है। विशेषकर महाराजा जूती, शेरवानी जूती, रेडन चीफ, वुडलैंड, कैंपस फ्यूरो, अप्रोस, एशियन एक्शन, लैंसर, क्वालिटो, नाइकी, रीबॉक, CTR, स्पोर्ट शूज, एडिडास शूज, बाबा शूज, अपेक्स शूज, लाइफॉक्स लोफर्स, पैरागॉन, विकेसी चप्पल, कैजुअल एंड फॉर्मल, सभी वैरायटी और क्वालिटीज के शूज, चप्पल, सैंडल, स्पोर्ट शूज उपलब्ध है। और बच्चों के कंफर्टेबल सैंडल और शूज, लेडीज के लिए बेहतरीन सैंडल, चप्पल और स्पोर्ट शूज, विविध क्वालिटी की तलाश यहीं पर। सभी क्वालिटीज पर भारी छूट, एक बार आकर क्वालिटी जरूर देखें। एड्रेस MR कॉम्प्लेक्स, मुल्ला मस्जिद के सामने, स्टेशन रोड, परभनी। प्रोपराइटर मोहम्मद आवेज। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सेलू शहर में दिन दहाड़े तेज हथियार से हमला, जख्मी की मौत, नशे के लत ने किया दोस्त का ही दोस्त ने खून। सेलू शहर के राजुरकर वाइन के सामने एक 35 वर्ष के व्यक्ति पर तेज हथियार से हमला किया गया, जिसमें उस व्यक्ति की मौत होने की जानकारी मिली है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि सेलू शहर के नटराज बार राजुरकर वाइन शॉप के सामने आज तारीख 23 अक्टूबर 2022 रविवार के दोपहर के समय 12:30 बजे के दरमियान हेमंत गोविंद राव गंडले, रहने वाला समता नगर सेलू, उम्र 40 वर्ष, इसने संतोष औटे, उम्र 35 साल, इससे बातचीत करते हुए विवादित माहौल बनाकर अपने साथ लाए हुए तेज हथियार से गले पर जोरदार वार कर जख्मी किया।
जख्मी अवस्था में संतोष आउटे पर सेलू के उप जिला अस्पताल में इलाज कराते हुए परभनी के जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया। इलाज के दौरान संतोष आउटे की मौत हो गई, तो अपराधी को सेलू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहते हुए और दोनों में नशे की आदत होने की जानकारी ऐसी मिली है और इसकी चर्चा सेलू शहर में चलते हुए नशे में फिर एक बार दोस्त का खून करने की घटना से सेलू शहर में बातें सुनने को मिल रही है। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूलियात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। हमारे न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि हमने ली हुई न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।